नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवशंकर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सीजर इलेक्ट्रिकल। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा पीछे एक ईओटी क्रेन है, उसका हमारा सिटी ट्रॉली है। तो दोस्तों मेरे पास एक फैन सा कमेंट आया था, जो कि हमारा इंटरव्यू में जो हमारा ईओटी क्रेन होता है, नहीं तो गारंटी क्रेन होता है, उसमें हमारा मैकेनिकल सवाल क्या क्या पूछा जाता है। तो आज का वीडियो इंटरव्यू रिलेटेड हमारा मैकेनिकल क्वेश्चन है, आंसर है। तो मैं आप लोग को प्रैक्टिकली जानकारी देने वाला हूँ, क्या आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है गारंटी क्रेन ईओटी क्रेन का बारे में मैकेनिकल। जैसा कि सबसे पहले मैं आप लोग को पार्ट बाय पार्ट, मतलब रेल से लेके हमारा सिटी मेन वाइस्ट गार्डर एंड कैरेज क्या बोलता है, सब मैं पार्ट बाय पार्ट आप लोग को बताऊंगा। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा दोस्तों, आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो भी आप प्रॉपरली जवाब दे सकते हैं, और आप ऑपरेटर का भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो भी आपको ये चीज आपको जानना जरूरी है क्रेन का बारे में। चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको जो हमारा ईओटी क्रेन होता है, इलेक्ट्रिक ओवर ट्रैवलिंग क्रेन हो चाहे आपका गारंटी क्रेन हो, दोनों में हमारा क्या है, जो एलटी चलने के लिए हम लोग को रेल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो में मैं मैकेनिकल का बारे में बताऊंगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि देख रहे हैं ये हमारा ईओटी क्रेन है, एलटी चलने के लिए दोनों तरफ जो हमारा रेल लगा रहता है, जैसे कि इस साइड में हमारा एक रेल लगा है, जैसे कि मैं आप लोग को देखा रहा हूँ ये हमारा रेल है, तो ये आपका अलग अलग साइज का आता है, 100 का भी रेल देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, जैसा कि उस तरफ भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारा जो गार्डर है उसका ऊपर हमारा रेल फिटिंग है। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू में पूछेगा रेल में आपको क्या चेक करना है। तो रेल में दोस्तों आपका रेल का जो अलाइनमेंट होता है, तो इस अलाइनमेंट आपका सही है कि नहीं है उसको आपको चेक करना पड़ेगा। रेल का अलाइनमेंट मतलब जो आपका स्पैन है, मतलब ये जो आप लोग गार्डर देख रहे हैं, ये जो हमारा ब्रिज गार्डर है, इसको ब्रिज गार्डर बोला जाता है, बड़ा वाला जो हमारा स्पैन है। तो इस ब्रिज गार्डर हमारा क्या है, 15 मीटर का भी लेंथ हो सकता है, 20 मीटर की हो सकता है, 25 मीटर, 30 मीटर, इस तरह से अलग अलग मीटर का होता है। तो उसका हिसाब से क्या होता है, जो हमारा क्रेन है, क्रेन का जो ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा एलटी का व्हील है, ये एलटी का व्हील है, तो ये एलटी का व्हील इसका ऊपर चलता है। तो क्या होता है दोस्तों, इस रेल का अलाइनमेंट हमारा मेजरमेंट करना पड़ता है, उस तरफ से लेके इस तरफ, मतलब ये हमारा 25 मीटर का लेंथ है, तो 25 मीटर इसको रेल टू रेल हमारा होना चाहिए, ये जो रेल देख रहे हैं रेल टू रेल होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों क्या होता है, रेल का अलाइनमेंट आपका डिसमिस हो जाएगा, तो ये जो आपका क्रेन है, क्रेन का जो एलटी का व्हील है, व्हील में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें जो हमारा कलर रहता है, इस कलर क्या होता है, घिस जाता है, कट जाता है। तो क्योंकि रेल हमारा हार्ड मटेरियल से बना रहता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये जो आपका व्हील का कलर है ये आपका डैमेज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका क्रेन होता है, क्रेन का गियर बॉक्स डैमेज हो सकता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले आपको मैकेनिकल में ये आपका रेल जो होता है, रेल का अलाइनमेंट आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि ये जो रेल होता है, रेल का बीच में आप लोग को इस तरीके से जॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि रेल जो होता है दोस्तों इतना बड़ा हमारा रेल है, तो दोनों तरफ आपको रेल दिखाई दे रहा है, उस तरफ भी रेल है, उस तरफ भी रेल है, तो रेल ज़्यादा लंबा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारा बीच में इस तरीके से जॉइंट होता है, तो इस जॉइंट पे आप लोग को क्या लॉकिंग करना पड़ता है वेल्डिंग से, नहीं तो ये जो आप लोग क्लैंप देख रहे हैं, इस क्लैंप से प्रॉपरली आपको लॉकिंग करना पड़ता है। तो ये जॉइंट आपका अप डाउन नहीं है कि वो आपको एक बार इस तरीके से देख लेना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं मैं स्क्रू ड्राइवर अभी घिस रहा हूँ, तो हमारा स्क्रू ड्राइवर अभी यहीं पर फंस नहीं रहा है, मतलब इस जो जॉइंट है ये हमारा सही है, क्योंकि बहुत दिन क्रेन चलने के बाद क्या होता है, इस जॉइंट हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके बाद ये जो आपको रेल का जो नट बोल है, इसको आपको टाइटनेस चेक करना पड़ेगा। ये आपका सबसे पहले आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, रेल में हमारा क्या क्या चेक करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप जवाब देने का। तो उसका बाद जैसा कि देख रहा है ये हमारा मेन होस्ट है, तो मेन होस्ट का ये जो आप लोग सीलिंग रोप देख रहे हैं, ये जो सीलिंग रोप देख रहे हैं, इस सीलिंग रोप पे आपको ग्रीसिंग करना है। तो ग्रीस किसके लिए लगाया जाता है, तो आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। तो दोस्तों ग्रीस जो होता है, ये जो हमारा वायर रोप होता है दोस्तों, वायर रोप डैमेज ना हो इसमें घिस के, इसीलिए दोस्तों इसमें ग्रीसिंग किया जाता है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। मेन हॉइस्ट के साथ आपको ऑक्सिलरी हॉइस्ट भी बहुत सारा क्रेन पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से आप जो हुक है, हाफ हुक को आपको हाथ से घुमा के देख लेना पड़ेगा, ये पूरी तरीके से हमारा रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसका अंदर हमारा इधर बियरिंग लगा रहता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा बियरिंग होता है, बियरिंग प्रॉब्लम की वजह से इसमें हमारा आवाज आता है, तो इस रोटेशन आपको चेक कर लेना पड़ेगा। ये चीज आपको हो गया मेन हॉस्ट में हुक पे। जैसे कि ये जो आप लोग दो गार्डर देख रहे हैं, इस दो गार्डर को हमारा एंड कैरेज बोला जाता है। तो एंड कैरेज का ऊपर ही हमारा ब्रिज गार्डर जो बड़ा वाला स्पैन होता है, जैसे कि देख रहे हैं ये जो हमारा बड़ा वाला स्पैन है, इस बड़ा वाला स्पैन हमारा एंड कैरेज का ऊपर रहता है, मतलब ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हमारा एंड कैरेज बोला जाता है। तो एंड कैरेज क्या होता है, जो हमारा एलटी का रेल होता है, मतलब जो लॉन्ग ट्रैवल करने के जो रेल होता है, वही हमारा एंड कैरेज, ये जो व्हील देख रहे हैं, इस व्हील का मदद से चलता है। जैसा कि देख रहे हैं इस साइड में जो हमारा व्हील है, इस व्हील
क्या होता है, एक साइड में हमारा व्हील इस तरीके से हमारा फ्री होता है, आप हाथ से इसको घुमा सकता है जैसा जिस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ। तो आपको ये जो व्हील है, व्हील पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका बियरिंग पे कोई साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका दोनों तरफ आपका बियरिंग लगा रहता है। तो बियरिंग का काम होता है इसको क्या फ्री में रखने के लिए, और इसको आराम से घुमा सकता है। इस तरीके से हमारा जो एंड कैरेज होता है, एंड कैरेज में दोस्तों आपका चार व्हील लगा रहता है। तो दो साइड का जो व्हील देख रहा है इसमें हमारा कोई भी मोटर गियरबॉक्स लगा नहीं है, और दूसरा तरफ लगा है वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये जो हमारा व्हील है, व्हील में जो हमारा बियरिंग है, बियरिंग पे ग्रीसिंग करने के लिए इस तरीके से हमारा एक निपल दिए गए, इधर से आप हैंड पंप से इसका अंदर ग्रीसिंग कर सकता है, क्योंकि बहुत दिन यूज करने के बाद बियरिंग का अंदर जो हमारा दोस्तों ग्रीस रहता है वो सूख जाता है, उसका अंदर ग्रीस के साथ हमारा ऑयल रहता है तो वो सूख के हमारा ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उसको क्या प्रेशर दे के आपको निकाल के इसका अंदर आपको नया ग्रीसिंग करना पड़ेगा। ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है बियरिंग पे ग्रीसिंग क्यों करना है, ये लुब्रिकेशन के लिए करना पड़ता है, नहीं तो इसमें क्या होता है दोस्तों हमारा अच्छा से बियरिंग घूमेगा नहीं, तो इसमें हमारा हीटिंग पैदा होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा प्रॉब्लम आता है, बियरिंग टूट जाने का चांस रहता है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों मैं इसका एलटी का जो मोटर होता है वो कहाँ पे फिटिंग होता है, ये जो आप लोग एंड कैरेज देख रहे हैं इस एंड कैरेज में ये हमारा एलटी का गियर बॉक्स है। दोस्तों गियर बॉक्स का अंदर इस तरीके से हमारा पिनियम लगा रहता है, इसको हम लोग पिनियम बोलता हूँ। तो पिनियम जैसा कि देख रहे हैं इस पिनियम इस तरीके से कुछ होता है, तो इधर से हमारा क्या मोटर फिटिंग होता है, ये जो देख रहे हैं इधर से हमारा मोटर फिटिंग होता है, मोटर पे भी एक हमारा पिनियम रहता है, तो उधर से क्या होता है हमारा मोटर घूमता है, तो गियर बॉक्स घूमने से ये व्हील हमारा घूमता रहता है, तब जाके हमारा जो एलटी है वो हमारा मूवमेंट होता है। गियर बॉक्स अंदर हमारा दोस्तों गियर ऑयल दिया जाता है। दोस्तों आपको इंटरव्यू पूछेगा जो हमारा गियर ऑयल है वो किसके लिए गियर बॉक्स का अंदर यूज करता हूँ, तो दोस्तों एक लुब्रिकेशन है, जैसा कि देख रहे हैं ये जो हमारा पिनियम है, इस पिनियम एक तीत का साथ दूसरा तीत हमारा क्या लाग के घूमता है, तब क्या होता है इसमें हमारा गियर ऑयल नहीं रहेगा, तो क्या होगा ये जो आपका पिनियम है इस पिनियम का तीत आपको घिस जाएगा, तो आपका जो गियर है ये आपका डैमेज हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों इसका अंदर लुब्रिकेशन ऑयल मतलब ग्रीसिंग ऑयल दिया जाता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसका मोटर भी मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसा कि सेम देख रहे हैं दो एंड कैरेज है, तो दो एंड कैरेज में सेम इसी तरह से इसको गियर बॉक्स बोला जाता है। तो इस गियर बॉक्स में जैसा कि देख रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स के अंदर जो हमारा मोटर का साथ लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पिनियम बोलते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये घूमता है जैसा कि देख रहे हैं नीचे वाला, ये भी हमारा घूम रहा है, तो उसी तरीके से ये जो व्हील है ये भी हमारा घूमता है। जैसा कि देख रहे हैं मैं हाथ से व्हील को घुमा रहा हूँ, तो इधर से हमारा गियर बॉयल जो हमारा गियर है वो हमारा घूमता है, ऑयल देख रहे हैं ऊपर का तरफ आता है। तो आपको ये चीज भी जान लेना पड़ेगा जो हमारा गियर बॉक्स होता है इसको ऑयल इस तरीके से एक निपल दे, इसको खोल के आप इसका अंदर ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको इसका अंदर ऑयल डालना है गियर ऑयल, तो आप इसको पूरा फुल फिलअप नहीं करने का, इसको हाफ ही आपको गियर ऑयल देना पड़ेगा, क्योंकि आप फुल कर देगा तो ये जब घूमता है इसका ऑयल ऊपर का तरफ आता है, तो आपको पूरा गियर ऑयल भरना नहीं चाहिए। ये चीज हो गया आपकी एलटी का हो गया। दोस्तों और भी एक सवाल पूछा जाता है, जो हमारा एलटी होता है नहीं तो सीटी होता है, आप लोग देखा है इसमें इस तरीके से हमारा एक बफर लगा रहता है, दोस्तों इसको बफर बोलता है। तो दोस्तों बफर किसी लिए लगाया जाता है वो भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है। बफर दोस्तों जैसा कि ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए लगाया जाता है, जैसा कि आप लोग को पता है इलेक्ट्रिकल में हम लोग सेफ्टी के लिए क्या लगाता हूँ, लिमिट स्विच लगाता हूँ। तो लिमिट स्विच काट होने के बाद क्या होता है हमारा क्रेन रुक जाता है। तो कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिक का फॉल्ट का वजह से हमारा लिमिट स्विच काम नहीं किया, ऑपरेटर ने कमांड देके रखेगा, तो क्या होगा लास्ट में हमारा क्रेन चला जाएगा और रेल से उतर सकता है। उसके लिए उधर एक स्टॉपर बनाया जाता है। तो स्टॉपर में क्या होता है ये जो हमारा बफर रहता है इस बफर जाके टकराता है, इसका अंदर हमारा स्प्रिंग रहता है, तो हमारा क्रेन क्या होता है रुक जाता है। तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए हमारा बफर लगाया जाता है क्रेन पे, ये चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोग को प्रैक्टिकल दोस्तों समझा रहा हूँ ये चीज आपको, ये जो हमारा एंड कैरेज होता है एंड कैरेज का दोनों तरफ हमारा लगा रहता है, उस साइड में भी लगा है और इस साइड भी लगा रहा है। दोस्तों आप लोग को मैं प्रैक्टिकली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली आप लोग को समझने के लिए आसानी होगा, आप इंटरव्यू में आसानी से बता सकते हैं बफर किसको बोलता है क्या है, तो वो चीज आपको क्लियर होगा इस वाला वीडियो में। दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो मेन हॉइस्ट होता है, मेन हॉइस्ट का गियर बॉक्स है। तो इस जो हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का अंदर हमारा क्या गियर ऑयल भरा रहता है। तो दोस्तों आपको सेम उसी तरीके से जैसा कि मैं एलटी का बताया, तो मेन हॉइस्ट का भी इस तरीके से हमारा ऑयल का गेज दिया गया। तो ऑयल का गेज में आपको देख लेना पड़ेगा इसका अंदर ऑयल है कि नहीं है, क्योंकि इसका अंदर भी हमारा पिनियम लगा रहता है, तो पिनियम ना खींच जाए इसीलिए दोस्तों इसका अंदर हमारा क्या होता है गियर ऑयल दिया जाता है, ये भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो मेन हॉइस्ट होता है उसमें हमारा किस तरीके से ब्रेक यूज किया जाता है, जैसे कि मेन हॉइस्ट होता है
एलटी होता है, सीटी होता है। दोस्तों जो हमारा मेन हॉइस्ट होता है, ये हमारा मेन हॉइस्ट है। मेन हॉइस्ट में हमारा इस तरीके से थ्रस्टर ब्रेक यूज किया है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक बोलता हूँ। जैसा कि इलेक्ट्रिक थ्रस्टर ब्रेक जो होता है, ये उसका ड्राम है और ये लाइनर है। जैसा कि देख रहे हैं, ब्रेक का फुल वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके दोस्तों देख सकता है। ये हमारा लाइनर है और ये हमारा ब्रेक का मोटर है। तो इधर हमारा सप्लाई आने से ये लीवर हमारा अप डाउन होता है, तो ब्रेक हमारा काम करता है। तो दोस्तों हमारा जो ईओटी क्रेन होता है, गैंटी क्रेन होता है, उसमें दोस्तों ज़्यादातर हमारा क्या इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक यूज किया जाता है, डिस्क ब्रेक यूज किया जाता है, और हमारा एक सॉलिनाइड ब्रेक होता है वो यूज किया जाता है। उसका बाद ईएम ब्रेक आता है, वो यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर हमारा जो क्रेन होता है, उसी क्रेन पे आप लोग देखा होगा, एक हमारा डिस्क ब्रेक यूज किया जाता है और हमारा एक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक यूज होता है। तो ज़्यादातर आप लोग मेन हॉइस्ट का जो मोटर होता है, उसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैं आप लोग को साथ शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहा है, ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक दोस्तों इस तरीके से होता है। ये जो ब्रेक देख रहा है दोस्तों, ये हमारा 34 केजी का है, 250 mm का ब्रेक है। तो मेन हॉइस्ट पे आपको कौन सा ब्रेक यूज करता है वो आपको इंटरव्यू में पूछेगा, तो आपको बोलने का है ईएचटी, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक यूज किया जाता है। और एलटी में दोस्तों हमारा इस तरीके से थ्रस्टर ब्रेक भी यूज किया जाता है, और हमारा डिस्क ब्रेक जो कि हमारा स्क्रू कंपनी का जो मोटर आता है, उसी मोटर का साथ हमारा डिस्क ब्रेक लगा रहता है, वो आपका यूज किया जाता है। वो भी मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, इसको हमारा रोक ड्राम बोला जाता है। जैसा कि मेन हॉइस्ट का एक रोक ड्राम है, तो इसमें हमारे क्या मेन हॉइस्ट का लोड रहता है, उसका साथ आप लोग को ऑक्सिलरी हॉइस्ट भी देखने को मिलेगा। उसमें हमारा छोटा वाला वायर रोप का ड्राम होता है, इसको वायर रोप ड्राम बोला जाता है। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा, जो हमारा मेन हॉइस्ट का रोप हमारा लटकता है उसको क्या बोलता है, उसको जो हमारा वायर रोप ड्राम बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको और क्या चेक करना है, इसका साथ हमारा दोस्तों इधर हमारा क्या मेन हॉइस्ट जो होता है, गियर बॉक्स का साथ हमारा मोटर लगा रहता है। जैसे कि देख रहे गियर बॉक्स का वो शाफ्ट निकला, तो इसका साथ हमारा कपलिंग का मदद से इधर ही हमारा मोटर रहता है, तो मोटर लगा रहता है। वो मोटर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसमें आपको क्या चेक करना पड़ता है। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा सिटी ट्रॉली है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ये हमारा मेन हॉइस्ट जो होता है, मेन हॉइस्ट का मोटर है। जैसा कि इस जो मोटर है, इस मोटर का नेम प्लेट में आप लोग को देखा देता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा 52 kW वाला हमारा मोटर है। तो इस तरीके से हमारा मेन हॉइस्ट में मोटर लगता है, ये हमारा 30 टन वाला ईओटी क्रेन है। क्या चेक करना पड़ता है मैकेनिकल में, जैसा कि देख रहे हैं, ये हमारा मोटर का कपलिंग है। इस मोटर का जो कपलिंग है, ये जो हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का जो शाफ्ट है और मोटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से हमारा कपलिंग लगाया जाता है। तो आपको कपलिंग का काम क्या है आपको पूछेगा, तो कपलिंग का काम जो होता है दोस्तों, कनेक्शन करने के, मतलब कनेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों जो मोटर है और जो हमारा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स का शाफ्ट और मोटर का जो शाफ्ट है, उसको कनेक्ट करने के लिए इस तरीके से कपलिंग लगाया जाता है। तो आपको मेंटेनेंस का टाइम, कपलिंग का नट बोल्ट आपको प्रॉपरली टाइट है कि वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, वो जो आप लोग बड़ा वाला गार्डर देख रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोग को ऊपर में बताया था, वो जो बड़ा वाला हमारा स्पैन होता है, उसको हम लोग दोस्तों ब्रिज गार्डर बोलता हूँ, जो कि हमारा 28 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है, 15 मीटर हो सकता है, मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग ब्रिज गार्डर बोलता हूँ। कैरेज जैसे ये जो दो गार्डर देख रहे हैं, इसको एंड कैरेज बोलता है, मतलब जो हमारा ब्रिज गार्डर है, ब्रिज गार्डर जिसका ऊपर रेस्ट करता है, उसको ही हम लोग एंड कैरेज बोलता हूँ। तो ये हमारा मेन हॉइस्ट का हुक ओक में आगे में आप लोगों को बताया था छोटा वाला, ये हमारा बड़ा वाला है। तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए, पेंट करने के लिए हम लोग नीचे उतारा गया है, जिसको अभी पेंटिंग का काम चल रहा है दोस्तों। तो पेंटिंग का दोस्तों, कभी भी आपको ईओटी क्रेन पे पेंट करना है, तो ये स्टैंडर्ड कलर आता है येलो कलर, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज के लिए दोस्तों क्रेन पे ज़्यादातर हमारा येलो कलर किया जाता है, क्योंकि दूर से आदमी को दिखाई देगा जो हमारा ये कुछ रनिंग मशीन है, मतलब जो कुछ हमारा रनिंग मशीन होता है उसमें हमारा क्या होता है, येलो कलर किया जाता है। नहीं तो रेड कलर बहुत कम जगह पे ईओटी क्रेन पे किया जाता है, ज़्यादातर हमारा येलो कलर किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, सभी हमारा येलो कलर है और चाका बाका जो है वो हमारा क्या ब्लैक कलर का है। और दोस्तों आपको एक सवाल पूछ सकता है, जो हमारा ईओटी क्रेन होता है दोस्तों, ईओटी क्रेन पे हमारा कौन सा टाइप वाला गियर बॉक्स यूज किया जाता है, तो ज़्यादातर हमारा हेलिकन गियर बॉक्स यूज किया जाता है और कार्बन स्टील वाला बना रहता है, उस टाइप का हमारा गियर बॉक्स यूज किया जाता है। उसका बाद दोस्तों ये जो आप लोग गियर बॉक्स देख रहे हैं, जैसा कि ये मेन हॉइस्ट का गियर बॉक्स है, नहीं तो हमारा जो एलटी का गियर बॉक्स है, इसका अंदर जो हमारा ऑयल दिया जाता है, कौन सा ऑयल गियर ऑयल के लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए आप लोग को एक गियर ऑयल मिलेगा जो कि हमारा ईपी होता है, और एक इंडस्ट्रियल गियर ऑयल आता है, उसको आप
गियर बॉक्स का गियर ऑयल के लिए यूज कर सकता है। मतलब आपको इंटरव्यू में पूछेगा जो हमारा गियर ऑयल होता है उसको गियर ऑयल ईपी करके आता है उसको आप यूज कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल गियर ऑयल आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स कौन सा टाइप का गियर बॉक्स यूज होता है, एक हमारा हेलिकन गियर बॉक्स यूज होता है और एक हमारा कार्बन स्टील वाला गियर बॉक्स यूज होता है। तो अभी मैं जो हमारा एलटी होता है, एलटी में कौन सा तरह के डिस्क ब्रेक लगा रहता है वो भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा जो मोटर है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था SEW कंपनी का मोटर है, तो इसका साथ हमारा इस तरीके से डिस्क ब्रेक लगा है। ब्रेक अभी टाइट है इसीलिए दोस्तों घूम नहीं रहा है, इसको ही हम लोग डिस्क ब्रेक बोलता हूँ, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऑपरेट होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका बारे में आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए। और दोस्तों इस स्क्रू कंपनी का जो मोटर होता है इसमें आपको ब्रेक किस तरीके से सेटिंग करना है, उसका बाद ये ब्रेक को कैसे कनेक्शन करना है उसका भी कनेक्शन आपको जानना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका ऊपर भी अलग से दोस्तों एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वाला वीडियो आप लोग को पसंद है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करने का। तो और एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस तरीके से वीडियो बनाएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दोस्तों इस वाला वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग को दोस्तों में शेयर करने का, क्योंकि आपका दोस्त को भी सीखने मिलेगा। दोस्तों अगले एक नया वाला वीडियो के साथ मिलता हूँ, आज के लिए इतना तक है, जय हिंद दोस्तों।